हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय कैरियर एकेडमी। दोस्तों, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है आप सभी के लिए, एसएससी जेई 2024 के सभी छात्रों के लिए। ये ब्रेकिंग न्यूज है, 4 लाख से ज़्यादा छात्र जो एसएससी जेई का फॉर्म भरे थे, पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ा दी गई है। परीक्षा हो चुकी है, आपका एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बाद पदों की संख्या इसमें बढ़ाई गई है और कट ऑफ जो है अब काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसमें जिनके पेपर थोड़े ख़राब हुए हैं उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि उनका भी सिलेक्शन इसमें अगली स्टेज के लिए हो जाएगा। आज के समाचार पत्र में छपी ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती में बढ़ गए 797 पद, 797 पोस्ट इसमें बढ़ गए। पहली परीक्षा यानी कि फर्स्ट एग्ज़ाम यानी कि प्री 5, 6 और 7 जून को हो चुका है। भर्ती विज्ञापन में आने पर घोषित किए गए थे 968 पोस्ट इसमें आई थी पहले, अब ये बढ़ गई हैं 797, यानी कि लगभग बराबर जितने पद पहले थे उतने ही पद और बढ़ा दिए गए हैं। 797 पद बढ़ गए हैं, अब कुल 1765 पद हो गए हैं। इससे अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के विभागों में नौकरी पाने का अवसर बढ़ेगा। अगले महीने इसका परिणाम रिक्त पदों के सापेक्ष जारी हो सकता है, उसके बाद द्वितीय परीक्षा होगी। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो अगले महीने आएगा, यानी कि अगस्त में इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद मेंस की परीक्षा होगी और इसका विज्ञापन 28 मार्च 2024 को जारी किया गया। तब रिक्त पदों की संख्या 968 थी। इन पदों के सापेक्ष देश भर में 483,557 लोगों ने आवेदन किया था और सबसे अधिक यूपी बिहार के, यानी कि एसएससी का जो ये जोन है यूपी बिहार जिसमें आते हैं, वहां से 1,27,171 आवेदन आए थे। यूपी और बिहार के 16 शहरों में 56 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई थी। 3 दिन तक चली परीक्षा में 62.81% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह भर्ती मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों के लिए होती है। इसकी पहली परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को दूसरी परीक्षा भी ऑनलाइन होगी, उसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवीजन के प्रश्न होंगे। यह परीक्षा 2 घंटों की होगी और 100 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो एसएससी जेई में देख लीजिए, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए अपना, 100 प्रश्न आएंगे। क्योंकि अब अगर आपका एसएससी जेई का जो फर्स्ट स्टेज है वो अगर ख़राब भी हुआ है तो भी आपका यहाँ पे कट ऑफ में क्लियर होने के चांस हैं, और इसलिए आप सब तैयारी करें। और जो डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आपकी नौकरी लग सकती है वो BRO है, CPWCS सेंट्रल पब्लिक वर्क्स कमीशन है, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जल शक्ति मंत्रालय, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आपको इससे नौकरी मिल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।